आज नामांकन अच्छा, करने जा रही हैं आप। बहुत अच्छा, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अपने गांव, समाज और क्षेत्र के लिए कुछ काम कर सकूंगी। जरूर आज नामांकन है दीदी आपका। आज मेरा नामांकन। इतने जन समर्थक साथ में हैं और पूरा जन समर्थक, हर कास्ट का मेरे पास मतलब जन समर्थक है मेरा, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं। जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, और जो समाज के लिए जीते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। जिंदा रहो या जान जाए, वोट उसी को दो जो सबों के काम आए, जो सबों के काम आए। के साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। झारखंड में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ये आप सभी जानते हैं। कई महिला उम्मीदवार भी इस पर किस्मत आजमा रही हैं। ऐसी ही एक उम्मीदवार हैं परिणीता झा जी, जो कि जिला परिषद की प्रत्याशी हैं। आज नामांकन करने पहुंची और नामांकन के बाद वहां मौजूद लोगों से बात की, वहां पर मौजूद लोगों का हालचाल जानने की कोशिश की, लगातार लोगों के सुख दुख में खड़े रहने की वो बात करती रहती है। का कहना है कि अगर जनता का समर्थन उन्हें मिला तो वो काम करके दिखाएंगी, विकास करके दिखाएंगी। हमारी टीम भी उस वक्त वहां पहुंची हुई थी जब वो नामांकन करने पहुंची। नामांकन के बाद उन्होंने परिणीता झा जी से बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों से बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में उन्हें लोगों का आशीर्वाद, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और उन्हें कितनी उम्मीद है कि अगर परिणीता झा जी जीत जाती हैं तो क्षेत्र का कितना विकास हो पाएगा, वो कितना कार्य कर पाएंगी अपने कार्यकाल में, और क्या कुछ हुआ वहाँ, आगे देखिए इस रिपोर्ट। फिशिंग कलांचल टाइम्स में देश और दुनिया के तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं प्रखंड बसंतराय, क्षेत्र दक्षिणी, जिला गोड्डा, झारखंड से। हमारी दीदी है जिला परिषद सदस्य परिणीती झा जी, उनके तमाम समर्थक आज मौजूद हैं, इनके आवास पर हम लोग हैं। और ये पंचायत की इस जो चुनाव में सबसे अहम भूमिका, इसकी अहम किरदार रही है, और तमाम इनके जन समर्थक हैं, दीदी हैं, भाई साहब हैं। आज इनका नामिनेशन होना है, आइए जानते हैं इनसे इनका प्रमुख एजेंडा क्या है इस चुनाव में, और क्या सोच लेकर कर ये पंचायत की मैदान में। दीदी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, आप कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और मेरे जितने भाई बहन हैं सबके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। कैसा लग रहा है दीदी, कितने लोग आपके साथ हैं? मेरे साथ 54,000 जनता मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ पंचायत में एक भी आदमी, एक भी जात जो मेरे साथ नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है, सब मेरे हर साथ वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग। क्या इतना समर्थन है, क्या भूमिका है, क्या प्रमुख एजेंडा है आपका इस बार के चुनाव? प्रमुख एजेंडा है कि सरकार जो भी चीज़ों को सरकार यहाँ पर भेजती है आपके जिला में, आपके प्रखंड में, वो चीज़ों को अंतिम लाइन के अंतिम आदमी तक उस चीज़ों को पहुँचाना, जैसे कि आवास है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, जो छोटी छोटी चीज़ है, पेंशन है, ये सब चीज़ें भी इन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं तो हर चीज़ से वंचित हैं, महिलाओं के लिए तो कोई भी नेता हो, कोई भी जिला अधिकारी हो, कोई भी प्रशासन हो, कोई काम नहीं करते। तो महिलाओं के लिए प्रमुख रूप से मैं आई हूँ, और महिलाओं को भी जो अंतिम लाइन में जो महिला खड़ी है उस तक मुझे उनका हर चीज़ पहुँचाना, उनको हर एक योजनाओं को, हर योजना का लाभ, हाँ हर योजना धरातल पे तो सरकार दे ही दी है, हमको सिर्फ उन तक पहुँचाना बस। और किसान महिला हो, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए आप, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण है, महिला के लिए अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलने वाला है, जो मैं पहले भी बताई थी बसंतराय क्षेत्र में, जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री ने उनको दिया है। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी पंचायत है, साचो पंचायत के अंदर वो हॉस्पिटल खुले, और वहाँ महिला जो भी, जैसे कि जो डिलीवरी वाली महिला रहती है, मेरे सात पंचायत में हमको एक एक वैन भी चाहिए जो वहाँ से वहाँ महिला को पहुँचा सके, इस सब चीज़ों के लिए मैं काम कर रही हूँ। यानी आज आपका नॉमिनेशन है? आज मेरा नॉमिनेशन है, शुभ शुभ आप लोग मनाइए कि मेरा नॉमिनेशन हो जाए,
कुछ ऊपर से हाई कोर्ट से प्रॉब्लम हुआ था जो अब टल गया है और अब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके तमाम समर्थक अभी मौजूद हैं। दीदी कैसी हैं आप? ठीक है। तो दीदी के साथ जो घूमती हैं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चुनाव में क्या पोजीशन रहेगा दीदी? बहुत अच्छा पोजीशन। सबसे अभी हम हैं दुमुही चौक में, यहाँ कुछ जनता जनार्दन है, कुछ अंकल बैठे हुए हैं और कुछ माता बहन भी है जो हमारी दीदी परिणीता झा का वेट कर रही थी और आज इनका नामांकन है। इनसे हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी दीदी का। की हाल छो? वोट कितना दबा जिला परिषद? नीलम दीदी का। नीलम दीदी का परिणीता झा भी नाम चुके हैं। बचपन से नाम कोई बात नहीं, तो वोट हिलका ही दबो। की कारण से एक वोट दे रहे? की विशेषता से दीदी? देवे करते है गारंटी। वोट केकरा देबो? इनका देबो क्या दीदी? सब इनको वोट दीजिए। इनका देबो वोट? खिलाए हैं बचपन में, खिलाए हैं इसलिए वोट इन्हीं को दीजिए। यानी आपके घर का सदस्य है ये? यही ना, घर की बेटी है तो इनको साथ दे रहे हैं आपको। मतलब कितना देर से इंतजार कर रहे थे? कितना देर से इंतजार कर रहे थे? दसे देर से इंतजार कर रहे थे। बहुत खुशी की बात है कि हमारी दीदी साहिबा का 10 बजे से इंतजार कर रही थी कुछ माता बहन, जिनका कहना है कि हम लोग बचपन से इनको खिलाए हैं, मतलब घर की सदस्य है। और ऐसा लग रहा है कि तमाम जनता जनार्दन से रूबरू होने के बाद ऐसा लगता है कि इनकी चुनावी जीत पूर्व में ही हो चुकी है। पूर्व में ही लोग मूड बना चुके हैं कि जिला परिषद अगर बनेगी तो परिणीता बने। चलिए और कुछ माता जी से हम बात करना चाहेंगे। की लगे छो जिला परिषद बनता हूँ इन्हीं? सकुचाए जो कहना कुछ सस्पिशन लगे सर। वोट दबा ना आज बता ला जा से। अभी हम हैं महेशपुर में और हमारी पंचायत है सुस्ती पंचायत के महेशपुर स्थान में है। हमारी दीदी परिणीता झा ने जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, माँ काली का और बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए और यहाँ के तमाम जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए आज नामांकन की यात्रा पे हैं। अभी हम इसके आवाज़ पे थे और अभी तमाम जनता जनार्दन इनके साथ मौजूद है और ये जनसमूह से ऐसा लगता है कि दीदी साहिबा पूर्व में ही जीत चुकी है। आप जानते हैं इनका क्या दिली इच्छा है। दीदी कैसा लग रहा है आज इतने जनसमर्थन? सबसे पहले तो बचपन से इस काली माँ का पूजा की हूँ मैं, बजरंगबली का, यहाँ पली बड़ी हूँ तो माता का आशीर्वाद लेना सबसे जरूरी था मेरे लिए, तो उनका आशीर्वाद लेके मैं आज नॉमिनेशन करने जा रही हूँ। और मैं यहीं की हूँ तो यहाँ के जितने भी बड़े मेरे चाचा लोग हैं, पापा लोग हैं, जो भी मेरी बुआ है, चाची है, भाभी है, तमाम लोगों को मेरा प्रणाम पहले तो। उसके बाद मैं इसी स्कूल से पढ़ी हूँ, सबसे पहला काम मैं इस स्कूल का काम करूँगी जो मेरे दादाजी का ही बनाया हुआ स्कूल है, जिसकी स्थिति देख के मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और दूसरा ये है कि जो भी योजना केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हमारे ब्लॉक में आता है वो हमारी महिला माता के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा रही है। उस योजना को अंतिम लाइन के अंतिम महिला को देना, ये प्रमुख एजेंडा है, ये प्रमुख एजेंडा है। और उसके बाद जो भी पेंशन है, राशन योजना है, जो भी मतलब आपके पंचायत का योजना है, उस सबको मैं काम करूँगी और उन तक पहुँचाने का काम करूँगी। खास तौर से जो महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण पर मेरा पहला फोकस। उसके बाद एजुकेशन, ऐसे भी जिला परिषद को आपको पता होगा एजुकेशन के लिए इनको चुना जाता है खास करके कि आपके हर पंचायत में स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, तो मैं वो स्कूल और हॉस्पिटल पे पूरा फोकस करूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी, बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगी। ऐसे ऑर्डर मुख्यमंत्री का आ गया है, उसको सिर्फ क्रियान्वित करना है कि ये हॉस्पिटल बन जाए यहाँ मेरे 7 पंचायत के अंदर। हाँ, दिल से आशीर्वाद दे रही हैं आप दीदी को? नहीं, इनकी जीत हो रही है आपको लग रहा है? हो गई है, इतने जन समर्थक हैं ऐसा लग रहा है कि मैया का कृपा है, गारंटी है। क्या लग रहा है दीदी? पूरा बहुमत से जीतोगे। कैसा लग रहा है दीदी आपको?
इतने जन समर्थक हैं दीदी के साथ, उसको देखकर क्या लगता है? जीत की डंका बज चुकी है ऐसा लगता है, और पंचायत के चुनाव में कुछ खरीद फरोख्त भी होता है, पैसे का बंटवारा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा देखा जाता है, वो दिल जो इरादा है वो चेंज होने वाला नहीं है, नहीं नहीं दिल से साफ है, दिल से साफ है, डंका बज चुकी है। क्या सोचा? मैया का आशीर्वाद है दीदी के साथ, आशीर्वाद है, वोट दिए बिना समझे के जीत चुकी है, जीत चुकी है, इसमें कोई शक। चलिए, ऐसा लग रहा है कि जीत की डंका बज चुकी है, मैया का आशीर्वाद लेकर आज नामांकन किया गया है, और अभी इनके आवाज करते वातावरण बढ़िया, कैसा लग रहा है भैया आपको? वोट डालते हैं, उम्र होगी आप वोट डालने का, किसको वोट दीजिएगा जिला परिषद में? आपकी बार तो दीदी दीदी को ही देंगे, और जिस तरह हम शुरू से हम सब मेहनत कर रहे हैं और आगे चल के हमको लगता है ऐसे दीदी सामने है इसलिए बोल रहे हैं, हम शुरू से मतलब दीदी के साथ में हैं और अभी भी मतलब साथ में हैं, ऐसा साथ नहीं में ही रहेंगे, जिस तरह दीदी का मेहनत है उस तरह अगर करते रहेगा तो बहुत आगे। तमाम युवक इनके साथ हैं जी, आपके संगी साथी भी जी, बोल दो प्रेम से काली मैया की जय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी, वोट दीजिएगा दीदी, देंगे और जीतेगी पक्का, एकदम कच्चा नहीं पक्का, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिला परिषद का चुनाव है, दीदी का क्या लग रहा है? जीत ही गया समझिए, आशीर्वाद है अपना, आशीर्वाद है पूरा। जिला परिषद भवन गोड्डा में है, और हमारे जो परिणीता झा जी है इन्होंने अभी नामांकन कराया है, और इनके अपार जन समूह से हमने आपको रूबरू कराया था, अभी नामांकन करा के लोग हैं हमारी दीदी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा लग रहा है। अभी नामांकन हुआ है दीदी, बहुत अच्छे हैं सब लोग भी ऑफिसर, और काफी जन समूह आपके साथ, अपार जन समूह में अभी हम आपका दो मुनी चौक के कैमरा लोग आपके जन समर्थक में हैं, और आप लोग नामांकन करा रहे हैं, हमारे परिवार है, मैं तो इनका चुनाव में आना मैं ये सोचता हूँ साक्षात जगदम्बा का अवतार है ये, और इस क्षेत्र की जनता का बहुत भाग्य है कि ऐसा उम्मीदवार आज मैदान में है। मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि आवाम अपने आशीर्वाद दें और इन्हें काम करने का मौका दें। सर कैसे हैं? अभी दीदी नामांकन कराई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? क्या नाम हुआ सर? विजेंद्र कुमार। कैसे हैं विजेंद्र जी? अच्छे हैं। अभी दीदी का नामांकन हुआ है, इतने लोग हैं साथ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और हम लोग बहुत खुश हैं, साथ में घूमते हैं, मिलते हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स है, और सब सब मतलब पूरा पंचायत जितना भी पंचायत है सारा सपोर्ट है, और हम लोग चाहते हैं मिलजुल के पूरा सपोर्ट करें, और जिसका जो बधाई मतलब जिसका बधाई मिल चुका है, बस सर्टिफिकेट बाकी बचा है मिलना, बस जीत का बधाई मिल चुका है। कैसे हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं तो दीदी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप क्षेत्र में बहुत पहले से इतना मेहनत कर रहे हैं, समर्थन बहुत बहुत हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोगों को समर्थन मिलता है, युवाओं का तो पूरे सौले युवाओं के इनके साथ है, बाकी अभी तो और आना बाकी है परिणाम। हाँ, अभी तो अभी स्टार्ट है। श्रीमती परिणीता झा जिंदाबाद, श्रीमती परिणीता झा जिंदाबाद, श्रीमती परिणीता झा जिंदाबाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।